सो फाइनली इस वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेली पैन के ब्रैकेट का पार्ट नंबर क्या है और कौन सा पार्ट नंबर कहां पे लगेगा और कितने पीसेस लगेंगे। तो आप लोग के सामने ये जो पार्ट नंबर दिख रहा है ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट है, जो कि गाड़ी का राइट साइड में लगने वाला है। और ये सामने आप देख रहे हैं जो ये एक हार्डवेयर किट है, इस किट के अंदर आपको नट बोल्ट रबर वाशर सब कुछ देखने को मिल जाएगा। इसका प्राइस 65 रुपीज़ है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो पार्ट नंबर कॉपी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पर मेरा सब कुछ दिया हुआ पार्ट नंबर का डिटेल्स है, आप यहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आपके सामने मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सा नट बोल्ट कहां कहां पे लगेगा। और ये जो नट बोल्ट आप देख रहे हैं ये बिल्कुल आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये आपका गाड़ी का जो वाइजर होता है सामने में चार बोल्ट लगते हैं, ये वही वाला स्क्रू है। अगर आपको मिलने में तकलीफ़ होती है तो आप शोरूम वाले को इसको दिखा देना, ये मिल जाएगा। और ये आपको बेली पैन को जॉइंट करने के लिए, मिडिल पार्ट के साथ जॉइंट करने के लिए ये स्क्रू की ज़रूरत होता है। उसके बाद जो स्क्रू आता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारा जो लास्ट वाला ब्रैकेट है उसको जॉइंट करने के लिए बॉडी का चेचिस के साथ बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसका पार्ट नंबर कवर के अंदर मेंशन नहीं है, क्योंकि जब भी मैं शोरूम से लाता था तब ये स्टिकर नहीं था। तो इसका पार्ट नंबर मुझे पता है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, सारे चीज़ों का डिस्क्रिप्शन पे आपको पार्ट नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद इस वाले पैकेट को हम ओपन करते हैं। ये है गाड़ी का राइट साइड में लगने वाला जो ब्रैकेट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये नहीं होगा तो आप नहीं लगा सकते। तो ये राइट साइड में लगेगा, इसके साथ आप कैसे इसको लगा सकते हैं, कौन सा बोल्ट लगे वो भी मैं दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये जेड वाला पत्ती कहलाता है, जेड के टाइप के जैसा। तो आप इसे अगर चाहते हैं तो शोरूम वाले को इस वीडियो को दिखा देना, और पार्ट नंबर भी आपको दिख जाएगा वीडियो में और डिस्क्रिप्शन पे भी। और इसको आप लगाने कैसे लगाएंगे वो मैं दिखा रहा हूँ। ये जो बोल्ट है ये काफ़ी लंबा बोल्ट, अगर आप लगाते हैं तो आपको वाशर दे लगाना पड़ेगा। मैंने इसको हिसाब से ठीक, जो परफेक्ट चीज़ है बजाज का कैटलॉग के हिसाब से मैंने अभी अभी इसको सेट किया है। तो अभी ये जो बोल्ट है पहले मैं नहीं दे पाता था क्योंकि मुझे इसका पार्ट नंबर नहीं पता था, अभी फ़िलहाल मिल गया है तो अभी काफ़ी आसान होगा। और इस वाले पैकेट को कहते हैं, अभी जो आपके सामने मैं खुल रहा हूँ इसका पैकेट का जो नाम है हार्डवेयर किट बोलेंगे, तो एक पैकेट में आपको ऐसा वाला मिल जाएगा पूरा 65 रुपीज़ में, पूरा नट बोल्ट सब कुछ मिल जाएगा, बजाज का ओरिजिनल ही है। हार्डवेयर किट बोलेंगे शोरूम में जाके तो मिल जाएगा, लेकिन फिर भी अलग अलग हार्डवेयर किट आता है, इसका पार्ट नंबर आपको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पैकेट के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलता है आप देख सकते हो। चार बोल्ट मिलते हैं, चार फेंडर मिलता है, चार रबर मिलता है और पांच वाशर मिलता है। वाशर आपका किसी काम का नहीं, वाशर आपका लगेगा नहीं, ये जो रबर के अंदर मैंने डाला उसको कहता है फेंडर। तो फेंडर लगेगा, अगर आप नहीं लगाते तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसका कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कंपनी दे रहा है तो आप लगा लीजिए, अगर आपको अच्छा दिखेगा। और ये जो वाशर है बिल्कुल कोई काम का नहीं, आप इसको फेंक सकते हैं बेकार में, गाड़ी में लगा के कोई वजन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप इस वाले ब्रैकेट को लगा सकते हैं राइट साइड में। तो आगे मैं दिखाऊंगा कि कौन सा पत्ती कहाँ पे लगने वाला है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है फिर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, कुछ कुछ लोगों को दिक्कत हो रहा है कि भाई कौन सा पत्ती कहाँ पर लगेगा, तो इसलिए मैंने अभी आगे आपको बताऊंगा कि गाड़ी के साथ कैसे आप अटैच कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं जो गाड़ी आपको दिखाऊंगा वो मेरा बजाज BS4 वाला गाड़ी है, लेकिन आप BS6 में भी देख सकते हैं, बिल्कुल सेम ही है, थोड़ा सा चेंजेस है। तो यहाँ पे मैंने तीनों पत्ती ले लिया है, आप देख सकते हैं, ये मेरा बाइक है और यहाँ पे पहले से लगा हुआ था बेली पैन। तो हम बेली पैन को निकाल के आप ही दिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो गाड़ी का इंजिन का नीचे आप देख सकते हैं दो बोल्ट होता है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा दो बोल्ट, जिसके ऊपर इंजन का पूरा लोड जो है उसी बोल्ट के ऊपर रहता है। तो आप इसको घर से खोलने की गलती ना करें, क्योंकि आपका नट बोल्ट जो है स्लिप हो सकता है। तो इसी वाले दो बोल्ट के ऊपर पूरा गाड़ी का लोड रहता है, इंजन जो है इसी के ऊपर लोड रहता है। तो आप इसे शोरूम से कीजिए, नहीं तो मैकेनिक के पास ले जाइए। तो ये वाला पत्ती जो है आपका लेफ्ट साइड में गियर वाला साइड में ऐसा लगेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो चेचिस है ये मेरा BS4 का है, तो इसमें ऑलरेडी होल दिया गया है, अगर आप चाहते तो ऐसा वाला होल भी बना सकते हैं। BS7 BS6 में ऐसा वाला होल नहीं दिया गया है, तो इसके वजह से आपको करना क्या होगा, ये जो पत्ती मैं दिखा रहा हूँ इसी वाले पत्ती को आपको अटैच करना पड़ेगा अपने बाइक के साथ। तो बाइक को साथ अटैच करने के लिए आपको साइड स्टैंड का जो दो बोल्ट होता है उसको रिमूव करना पड़ेगा, निकाल के फिर ऐसा वाला पत्ती ऐसा अटैच करके फिर साइड वाले स्टैंड को लगा देना है। ये जो साइड का नट बोल्ट दिख रहा है दो बोल्ट को आपको खोलना पड़ेगा, स्टैंड को पूरा बाहर निकालना पड़ेगा, फिर जाके ये पत्ती दे के फिर उसको दोनों नट को जो है टाइट कर देना, तो आपका जो है
होल बन जाएगा, यहाँ पे आपको वोल्डिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको किसी को वोल्डिंग करवाना है तो आप ऐसा देख के भी करवा सकते हैं, शोरूम वाले को दिखा दीजिए, नहीं तो वोल्डिंग वाले शॉप को दिखा दीजिए कि चेचिस में हमें ऐसा होल करवाना है। अभी गाड़ी का राइट साइड में चलते हैं और यहाँ पर देखिए राइट साइड में आपको कुछ इस तरह से ऐसा वाला पत्ती लगेगा, ठीक है। तो ये जो पत्ती आप देख रहे हैं ऑलरेडी गाड़ी पे लगा हुआ है, तो राइट साइड में कुछ इस तरह से लगेगा। और ये जो पत्ती इंपोर्टेंट जेड वाला पत्ती मैंने कहा था, तो आपका गाड़ी में ऑलरेडी ऐसा होल दिया गया है BS7 BS6 में, तो इस वाले पत्ती को आप ये ब्रेक साइड में ऐसा लगा के जो छोटा वाला बोल्ट में दिखा रहा था पहले, वहाँ पर इसको टाइट कर देना है, ठीक है गाइस। तो इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। सो गाइस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी आने वाला वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा डिटेल्स मैंने बताया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और शॉप में दिखा दीजिए, आपको सामान जो है मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहना गुडूजी यूट्यूब चैनल को।